गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। यह वीडियो 12th हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है। जैसा कि आपको पता था, हम लोग आप लोगों के लिए विद्युत क्षेत्र वाला चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हम लोगों ने आपको घर्षण द्वारा आवेशन को समझा दिया। ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा विद्युत आवेशन का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। ये आज का हमारा टॉपिक है, विद्युत आवेशन का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। देखिए, कल के प्रयोग में हमने आप लोगों को बताया था कि कांच की छड़ को हम लोग रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं। किससे रगड़ते हैं? रेशम के कपड़े से। कांच की छड़ को हम लोग रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं और एबोनॉइड की छड़ को हम लोग रगड़ते हैं फर के कपड़े से। जब आप कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन कांच की छड़ से रेशम के कपड़े पर चले जाते हैं। परिणाम स्वरूप कांच की छड़ धनावेशित हो जाती है और रेशम का कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। उसी तरीके से जब आप एबोनॉइड की छड़ को फर के कपड़े से रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन फर के कपड़े से एबोनॉइड की छड़ पर आ जाते हैं, जिससे एबोनॉइड की छड़ ऋणावेशित हो जाती है और फर का कपड़ा ऋणावेशित होता है। दोनों ही प्रक्रिया में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, वो ये है कि दोनों ही प्रक्रिया में जो आवेश आया है, चाहे कांच की छड़ पर धनावेश हो, रेशम के कपड़े पर ऋणावेश हो, या एबोनॉइड की छड़ पर ऋणावेश हो और फर के कपड़े पर धनावेश हो, ये इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से यानी इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से आया है। भाई, जब इलेक्ट्रॉन कांच की छड़ से रेशम के कपड़े पर चले जाते हैं तभी कांच की छड़ पर आपका धनावेश आता है और रेशम के कपड़े पर कैसा आता है? ऋणावेश। ठीक उसी तरीके से जब इलेक्ट्रॉन फर के कपड़े से एबोनॉइड की छड़ पर आते हैं तो एबोनॉइड की छड़ पर ऋणावेश आता है और फर के कपड़े पर धनावेश आता है। तो किसी भी वस्तु पर आवेश आने के लिए जो उत्तरदायी होते हैं वो होता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। किसी भी वस्तु पर आवेश के आने के लिए इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण महत्वपूर्ण है। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण की वजह से किसी भी वस्तु पर आवेश आता है, यानी इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर होते हैं एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर, तब उस पर क्या आता है? आवेश आता है। ये है सर विद्युत आवेशन का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। ये आपका पहला टॉपिक है जो मैंने आज आपको कराया है। एक बार इसको देखिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। आइए, अगला हमारा जो टॉपिक है वो है चालक एवं कुचालक। चालक क्या होता है? चालक, कंडक्टर। कंडक्टर क्या होते हैं? वे पदार्थ जिनमें आवेशों का प्रभाव सुगमता से किया जा सकता है, चालक कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जिनमें आवेशों का प्रभाव सुगमता से किया जा सकता है, चालक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए, सभी धातु, ऑल मेटल्स, जितनी भी धातु हैं सब चालक हैं। पृथ्वी, पानी यानी इसको जल कह सकते हैं, कोयला, ग्रेफाइट,
नमक का घोल, नमक का घोल। और विद्युत अपघट है विलयन, विद्युत अपघट है विलयन। ठीक है, तो चालक क्या होते हैं? जैसे मैंने आपको उदाहरण दिए, ऐसे पदार्थ जिनमें आवेशों का प्रभाव सुगमता से किया जा सकता है चालक कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर जितनी भी धातु है सब, पृथ्वी हमारी चालक है, जल चालक है, कोयला, ग्रेफाइट, नमक का घोल, विद्युत अपघटक का विलयन। तो विद्युत अपघटक जो होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, ये क्या होते हैं सर? ये तो हम जानते हैं, ये तो धात्विक चालक है। एक आपके विद्युत अपघटक चालक होते हैं। विद्युत अपघटक में क्या होता है, ये ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाए ना, ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत धारा अगर प्रवाहित की जाए तो ये अपने आयनों में विभक्त हो जाते हैं। अगर हम इनमें विद्युत धारा फ्लो कराएं तो ये अपने आयनों में टूट जाता है। तो ऐसे विलयन आपके ऐसे पदार्थ कहलाते हैं आपके विद्युत अपघटक, इनको विद्युत अपघटक कहते हैं। ठीक है, ये है सर। तो अब इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, यानी कि व्याख्या करेंगे इसकी, ऐसा क्यों होता है। हाँ, मैं एक बात और बताना भूल गया, सबसे अच्छा जो कंडक्टर, जिसमें इंग्लिश में कंडक्टर बोलते हैं, सबसे अच्छा जो चालक होता है वो होता है सिल्वर, चांदी। चांदी सर्वोत्तम चालक है, सर्वोत्तम, सबसे उत्तम चालक है चांदी। इसके बाद आपका जो आता है, चांदी के बाद जो आती है वो कोई एल्यूमिनियम है या फिर आपका कॉपर है ना, ये सब अन्य चालक आते हैं। तो अब व्याख्या समझाता हूँ आपको मैं। देखिए ऐसा है बच्चों, हमें ये उदाहरण है कि बताते हैं, सोडियम 11Na23, ये सोडियम का कॉन्फिगरेशन है। कॉन्फिगरेशन तो इसका होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, ये इसका कॉन्फिगरेशन है, इसका सोडियम का। ठीक है, तो अगर हम इसका शेल बनाए तो उसके नाभिक में 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन, पहले कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 2। दूसरे में कितने जाएंगे? 4। तीसरे में कितने जाएंगे? 1। ठीक है, तीसरे में 1 जाएगा। अब अगर आप देखें तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन है इस कक्ष में, आपने पढ़ा होगा 2L² के सूत्र के हिसाब से, पहले में 2 जाते हैं, दूसरे में 8 जाते हैं, तीसरे में 18 जा सकते हैं। अब ये बाह्यतम कक्ष का इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन नाभिक से दुर्बल रूप से आकर्षित रहता है, यानी ये इलेक्ट्रॉन एक तरह से देखा जाए तो इस कक्ष में 17 इलेक्ट्रॉनों की जगह थी, लेकिन हमने इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन भर पाए। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये दुर्बल रूप से आपका क्या रहता है, आकर्षित रहता है ना। तो इस इलेक्ट्रॉन को हम लोगों ने नाम दिया है मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं इसको अपन लोग? मुक्त इलेक्ट्रॉन, है ना। तो दोबारा समझिएगा, हमने यहाँ पर एक सोडियम का एग्जाम्पल लिया है 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1, हमने इसका कॉन्फिगरेशन लेके समझाया है। तो चालकों का गुण, धात्विक चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। चालकता प्रदर्शित करने के लिए धात्विक चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं? परमाणु के बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन नाभिक से दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉनों को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। परमाणु के बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन नाभिक से दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉनों को हम क्या कहते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं तो इलेक्ट्रॉन का नाम है मुक्त इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन परमाणु में मुक्त रूप से गति कर सकते हैं,
ये जो इलेक्ट्रॉन है ये परमाणु में मुक्त रूप से गति कर सकते हैं, फ्रीली घूम सकते हैं, लेकिन पदार्थ को छोड़कर नहीं जाते। परमाणु में मुक्त रूप से घूम सकते हैं लेकिन उसे छोड़कर नहीं जाते। एक तरह से देखा जाए तो विद्युत चालकता में योगदान नहीं है, ठीक है, केवल ये धात्विक चालकों में। बेटा तो चालकों के रेस्पेक्ट में इस बात को क्लियर रखना, चालकों में धात्विक चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं धात्विक चालकों में? मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं? परमाणु के बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन जिनका नाभिक से आकर्षण बहुत दुर्बल होता है। कैसा होता है नाभिक से आकर्षण? दुर्बल होता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन परमाणु में मुक्त रूप से गति कर सकते हैं। भाई इसमें 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते थे, एक ही इलेक्ट्रॉन आया है, तो मर्जी से कहीं घूमो। तो ये इलेक्ट्रॉन परमाणु में मुक्त रूप से गति कर सकते हैं लेकिन पदार्थ को छोड़कर नहीं जाते। तो चालकों में, धात्विक चालकों में, देखिए मैंने दो तरह के चालक बताए थे, एक विद्युत अपघटन चालक होते हैं, एक धात्विक चालक होते हैं। धात्विक चालकों में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो चालकता प्रदान करते हैं। तो धात्विक चालकों का एक्सप्लेनेशन में अगर आपसे कोई पूछे कि सर ऐसा क्यों होता है, तो आप कहेंगे सर चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं इसलिए ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन जो दूसरा हमारा चालक है, कौन सा वाला? विद्युत अपघटन चालक। तो विद्युत अवघटन चालक जो है उसमें ऐसा नहीं होता बच्चों, इसमें धनायन आयन, पॉजिटिव आयन या फिर नेगेटिव आयन होते हैं। मैंने आपको बताया ना विद्युत अवघटन क्या होता है, ये एक बिलियन होता है, जैसे ही इसमें हम विद्युत धारा डालते हैं, मतलब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो ये अपने आयनों में टूट जाता है। जैसे ही हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये अपने आयनों में क्या होता है? टूट जाता है। इस विलयन को अपन लोगों ने नाम दिया है विद्युत अपघटय विलयन, इसको हम लोग कहते हैं विद्युत अपघटय विलयन, ठीक है। तो उसमें जैसे ही हम धारा प्रवाहित करेंगे अपने आयनों में टूट जाएगा, तो ऐसा विलयन है। और इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इसमें धनायन और ऋणायन होते हैं। तो ये है सर आप लोगों का चालक, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कुचालक, या इसको अपन लोग एक नाम और देते हैं क्या, विद्युत रोधी। तो आइए देखते हैं, आइए देखते हैं कुचालक, जिसको मैंने एक नाम और दिया है, क्या दिया मैंने इसको? विद्युत रोधी। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंसुलेटर। ऐसे पदार्थ जो अपने अंदर, ऐसे पदार्थ जिनमें आवेशों का प्रभाव नहीं होता, ऐसे पदार्थ जिनमें आवेशों का प्रभाव नहीं होता कुचालक या विद्युत रोधी कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जिनमें आवेशों का प्रभाव नहीं होता क्या कहलाते हैं वो? आपकी कुचालक या विद्युत रोधी, है ना, उनको अपन कुचालक बोलते हैं या फिर इसको अपन बोलते हैं विद्युत रोधी, ठीक है। उदाहरण जैसे धारण को चार तो अपने कली पर लिए थे, क्या कांच, एबोनॉइड, फरका कपड़ा, रेशम का कपड़ा, रबड़, अभ्रक। अभ्रक आप जानते हैं ना, खनिज पदार्थ होता है, हीरा, कांच, एबोनाइट, फर का कपड़ा, रेशम का कपड़ा, रबड़, अभ्रक, हीरा और आसुत जल। हाँ ये और ध्यान रखना, आसुत जल क्या है? देखिए इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्टिल्ड वाटर। ये वो वाला पानी है जो इन्वर्टर की बैटरियों में डालते हैं ना, ये वो पानी है। ये बिस्लेरी वाटर नहीं है, बच्चे सोने सर बिस्लेरी वाटर आसुत जल होता है ना। आसुत जल वो जल होता है जिसमें एक भी मुक्त आयन उपस्थित ना हो। ऐसा जल जिसमें एक भी मुक्त आयन उपस्थित ना हो उसको अपन बोलेंगे आसुत जल। और जो आपके नॉर्मल जो अपन बता रहे थे कौन कौन से,
बिस्लेरी वाटर वो मिनरल वाटर होता है, कौन सा होता है वो मिनरल वाटर होता है, ये आसुम चले। तो ये आपके उदाहरण है, इसमें पेपर भी आ सकता है और भी बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, बहुत उदाहरण है कुछ अलग उदाहरण। तो अब बात आती है व्याख्या की। हाँ सर, कुचालक ऐसा क्यों करते हैं, ये अपने अंदर आवेशों का प्रभाव क्यों नहीं होने देते? तो देखिए बहुत अच्छी तरीके से इसको समझने की कोशिश कीजिए। देखिए ऐसा है, अभी अपन ने ये कॉन्फ़िगरेशन समझा था, कौन सा वाला हमने कॉन्फ़िगरेशन समझा था, सोडियम का, और हमने उसमें बनाए थे 11 प्रोटॉन 12 न्यूट्रॉन, और पहले में कितने इलेक्ट्रॉन, दो, दूसरे में कितने इलेक्ट्रॉन, 8, तीसरे में कितने इलेक्ट्रॉन, 1, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 1। तो अगर आप सोडियम से ये इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं तो वो दे देगा, क्योंकि ये तो मुक्त इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अगर आप खूब कोशिश करें और इन इलेक्ट्रॉनों को निकालना चाहें तो नहीं निकाल पाएंगे। कारण, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अपने कक्ष में पूर्ण रूप से भरे हुए हैं। अब पूर्ण रूप से भरे होने के कारण ये नाभिक से प्रबल रूप से आकर्षित है, पूर्ण रूप से भरे हुए हैं और पूर्ण रूप से भरे होने के कारण ये नाभिक से प्रबल रूप से आकर्षित है। ऐसे इलेक्ट्रॉनों को नाम दिया जाता है बच्चों बद्ध इलेक्ट्रॉन। बद्ध इलेक्ट्रॉन का मतलब बंधे हुए इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन जो है आपके मुक्त नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन आपके हैं बद्ध इलेक्ट्रॉन। अगर हम चाहते हैं कि इन इलेक्ट्रॉनों को नाभिक से अलग करें तो हमको बहुत ज्यादा ऊर्जा प्रोवाइड करनी होगी, ऊर्जा देनी होगी। तो अब समझिए, कुचालक पदार्थों का गुण, कुचालकता का गुण ऐसे पदार्थों में पाया जाता है जिनमें बद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं। कुचालकता का गुण ऐसे पदार्थों में पाया जाता है जिनमें कैसे इलेक्ट्रॉन होते हैं, बद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं। कैसे इलेक्ट्रॉन होते हैं, बद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन बद्ध इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन जो परमाणु के बाह्यतम कोश में पूर्ण रूप से भरे होते हैं, वे इलेक्ट्रॉन जो परमाणु के बाह्यतम कोश में पूर्ण रूप से भरे होते हैं, ठीक है, जिन्हें जो नाभिक से प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन आपके बद्ध इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। यानी इसको समझिए, यहां एक इलेक्ट्रॉन था, अगर 17 और आ जाते ना तो आप एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे, पर ये इलेक्ट्रॉन नहीं देता, फिर ये कैसा बन जाता, कुचालक बन जाता। अगर बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पूरे भरे हुए हों, फुल फिल हो, तो वो जो है वो तो एक स्टेबिलिटी की तरफ चला गया, एक स्थायित्व को प्रदान कर ले, प्राप्त कर लेता है, तो उससे इलेक्ट्रॉन आप मुक्त नहीं करा सकते, ठीक है ना। तो कुचालक पदार्थ में बद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं, बद्ध इलेक्ट्रॉन जब एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, यानी एक भी इलेक्ट्रॉन चालकता प्रदर्शित करने के लिए मुक्त नहीं होता है, तो ये तो आपका क्या एक तरह से किसका व्यवहार करते हैं, कुचालकता का प्रदर्शित, कुचालकता को प्रदर्शित करते हैं। ये है सर आपका कुचालक पदार्थों के बारे में, है ना। तो मोटे मोटे ये समझिए, चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और कुचालकों में बद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं। केवल वो जो क्या कहते हैं विद्युत अपघटन चालक होते हैं उनमें धनायन और ऋणायन होते हैं, ठीक है। अब हम अगला टॉपिक आप लोगों का स्टार्ट कर रहे हैं, नेक्स्ट, इसको एक बार देख लीजिए। अगला टॉपिक है आप लोगों का अगला जो टॉपिक है वो है चालन द्वारा आवेशन, चालन द्वारा आवेशन। चालन द्वारा आवेशन, ठीक है, हाँ जी। चालन द्वारा कैसे आवेश आता है किसी वस्तु पर, चालन द्वारा आवेशन क्या होता है, ऐसा है बच्चों कि प्रयोग समझाता हूं फिर बात करूं। मान लीजिए आपके पास एक भी दो इधर नहीं पाएगा, इधर से चल दो, मान लीजिए एक दो चालक बोलेंगे हम, दो चालक वस्तु हैं, एक पर आवेश है, तो एक तो आपकी हो गई एक आवेशित, और ये तो आपकी आवेशित हो गई,
और ये हो गई आपकी अनावेशित, ठीक है, अनावेशित हो गई, ठीक है। और ये आपका कुचालक स्टैंड है, क्या है आपका ये कुचालक स्टैंड, ठीक है बच्चों। अब आप ऐसा कीजिए, इस आवेशित चालक को अनावेशित चालक से कनेक्ट कर दिया, कॉन्टेक्ट कर दिया। लो सर, ये दोनों चालक स्टैंड पे, लेकिन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया। अब जब दोनों को आपस में जुड़वा देंगे तो प्रतिकर्षण के कारण पहले जो आवेशित चालक बोले गए उससे कुछ आवेश अनावेशित चालक पर ट्रांसफर हो जाएगा। इसको बहुत से बच्चे नहीं समझ पाते हैं कि सर इससे इस पर क्यों जाएगा। भैया धनावेश धनावेश तो प्रतिकर्षित होते हैं, तो प्रतिकर्षण के कारण कुछ आवेश इससे इस पर स्थानांतरित हो जाएगा। फिर अगली बार आप ऐसा कीजिए, दोनों को डिस्कनेक्ट कर दीजिए। ये लो सर, दोनों को आपने डिस्कनेक्ट कर दिया। अब दोनों ही आपके क्या है सर, दोनों पर क्या है, दोनों ही गोलों पर क्या है, आवेश है। यानी पहले वाले डायग्राम में तो आपने क्या किया, एक आवेशित चालक लिया और एक अनावेशित चालक लिया, ठीक है। पहले वाले डायग्राम में एक आवेशित चालक लिया और एक अनावेशित चालक लिया, और अनावेशित चालक को, इन दोनों को कुचालक स्टैंड पर व्यवस्थित किया। किस पर व्यवस्थित किया इन दोनों स्टैंड को, कुचालक स्टैंड पर, ठीक है। हाँ, इन दोनों को हमने कुचालक स्टैंड पर व्यवस्थित किया, और जैसे ही आवेशित चालक को अनावेशित चालक से संपर्क कराया तो प्रतिकर्षण के कारण अनावेशित चालक से कुछ आवेश, सॉरी, आवेशित चालक से कुछ आवेश अनावेशित चालक को स्थानांतरित हो गया। फिर दोनों को हटा दिया। तो आप सुनिए, जब किसी आवेशित चालक को अनावेशित चालक से संबंध कराया जाता है, जब किसी आवेशित चालक का अनावेशित चालक से संबंध कराया जाता है तो आवेशित चालक का अनावेशित चालक से क्या कराया जाता है, संबंध कराया जाता है ना। तो अनावेशित चालक प्रतिकर्षण के कारण अनावेशित चालक का आवेशित हो जाना ही चालक द्वारा आवेशन कहलाता है। दोबारा सुनिए, किसी अनावेशित चालक को आवेशित चालक से संपर्क कराया जाता है तो प्रतिकर्षण द्वारा अनावेशित चालक पर आवेश आ जाता है, इसे ही हम चालक द्वारा क्या कहते हैं, आवेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको अपन, चालक द्वारा आवेशन कहते हैं। कल की विधि में और आज की विधि में फर्क है। कल आपने दो विद्युतरोधी वस्तुओं को रगड़ा था, आज आपकी दोनों वस्तुओं के सी चालक है, ठीक है। तो ये दूसरी विधि है किसी भी वस्तु पर आवेश के आने के लिए। तो आज के लिए बहुत है बच्चों, दैट्स ऑल फॉर टुडे।